तो भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम अपने गंदे पीले दांतों को मोती की तरह कैसे चमका सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी लोगों के पीले दांत होते हैं और उनके पीले दांत होने का कारण होता है बीड़ी सिगरेट का ज्यादा सेवन करना, गुटखे का सेवन करना, किसी खैनी का सेवन करना, पान मसाले का सेवन करना या फिर शराब का सेवन करना। तो फ्रेंड्स अगर हम कुछ ज़्यादा लंबे समय तक इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे दांत पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पीले दांत हैं तो आप किसी के सामने खुल के हंस भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आपके मुँह में से दुर्गंध आती है या फिर आपके दांतों में से ब्लड आता है या फिर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं तो फ्रेंड्स ये रेमेडी आपकी इन दिक्कतों को भी ख़त्म कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको लेनी है लौंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 7 से 8 कली लौंग की ले रखी है और फ्रेंड्स इन लौंग को पीस के मैंने इसका एक पाउडर बना लिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टूथपेस्ट। तो फ्रेंड्स आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेंड्स आपको ये उतना ही लेना है जितना आप डेली यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ईनो। तो फ्रेंड्स हम ईनो इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा होता है। तो फ्रेंड्स हमें आधे चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड करना है ईनो। और फ्रेंड्स एंड में हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। तो फ्रेंड्स हमें 8 से 10 बूंद लेमन की इसके अंदर ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको इसके बाद मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स लौंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपके दांतों में से ब्लड आ रहा है या आपके दांतों में कीड़े मौजूद हैं या आपके मुंह के अंदर से दुर्गंध आती है तो फ्रेंड्स लौंग इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से ख़त्म कर देगी और आपके मुँह से दुर्गंध ख़त्म कर देगी, आपके दांतों में से ब्लड आता है उसको ख़त्म कर देगी और आपके दांतों में अगर पीलापन है या फिर कीड़े लगे हुए हैं तो फ्रेंड्स लौंग उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी। ईनो हमारा जो कि बेकिंग सोडा था वो आपके दांतों में से पुराना पीलापन दूर करेगा और फ्रेंड्स लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है ये भी आपके दांतों में से पीलेपन को दूर करेगा। तो फ्रेंड्स इसका सेवन आप दिन में एक बार करें। तो फ्रेंड्स आप इसे आराम से ब्रश करें जैसे आप नॉर्मली करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे हफ्ते में 4 दिन इस्तेमाल करें, 3 दिन आप नॉर्मल ब्रश करें। तो फ्रेंड्स जो भी आपके दांतों की प्रॉब्लम होगी आप देखेंगे दूसरे इस्तेमाल से कि वो सब दूर होने स्टार्ट हो गई है और आपके मुंह से भी बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी जैसे लौंग में से आती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की माई रेमेडी। अगर आपको माई रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए।